बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरी और स्पेशल कोच हूँ। आजकल शोबिज का दौर है, आपको हसीन परियां, तितलियां चलती फिरती मॉडल रैंप्स में मिलती हैं, उनकी इंसान बॉडी फिगर देखता है, बड़े जिस्म उनके पतले होते हैं और चाल बड़ी मस्तानी किस्म की होती हैं, बड़ी सेडक्टिव होती हैं, तो बंदे का दिल करता है कि या इनको उनके पास हो और वो उनको दबाएं और उनकी पसलियां तोड़ दें और कच्ची गिरी की तरह चबा जाएं। ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, लेकिन अब पूछना ये है कि उनकी क्या ख्वाहिश है, उनका सेक्सुअल फंक्शन कैसा है। बतौर सेक्सोलॉजिस्ट मेरे पास मॉडल्स भी आ जाती हैं, सेकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी आ जाती हैं, तो जब मैंने उनसे बात की सेक्स के मतलब तो मैं हैरान रह गया, मेरी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई। ज़्यादातर ने कहा कि हमें सेक्स से नफरत है, हम सेक्स को इंजॉय नहीं करती, हालांकि वो बंदे को पीछे लगाती हैं, सब कुछ करती हैं, बंदा भागा जाता है उनके पीछे, उनमें उनकी पर्सनैलिटी आमतौर पर हिस्ट्रॉनिक होती है, लेकिन उनमें ये होता है कि जब एक बंदा उनके पीछे लग जाता है और उनके ऊपर जान फिदा कर देता है तो एकदम उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है और सेक्सुअली बिल्कुल वो कूल डाउन हो जाती है। तो ये असल में उनकी सेक्स का सूरत हाल होती है। अच्छा, इसकी कुछ मैंने फिर और वजूहात पर गौर किया कि ये जो बहुत थिन स्मार्ट लड़कियाँ होती हैं, इनमें क्या सेक्स जो है वो ज़्यादा होता है कि कम होता है। दिल तो करता है ना सेक्स बंदा, लेकिन होता ये है कि ये जब अपने आप को स्मार्टनेस के लिए करती हैं तो आमतौर पर डाइटिंग का इनमें चल रहा होता है। जब ये डाइटिंग कर रही होती हैं तो इनकी जो न्यूट्रिशंस हैं वो कम हो जाती हैं और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन जो कम होने से उनके अंदर जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। और सेकेंडली एक बीमारी होती है, सबको नहीं होती, इसे कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, और ये सबसे कॉमन जो है ये मॉडल्स में होती है और ये किसी ना किसी लेवल पे थोड़ी बहुत उनमें होती है कि उनको लगता है कि उनकी बॉडी जो है वो अभी भी फैट है, बड़ी है, हालांकि वो नॉर्मल होती है, वो पालों की तरह मज़ीद वज़न कम करने की कोशिश करती हैं। तो जो ऐसा करती हैं तो वो एक तो न्यूट्रिशन कम हो जाती है, दूसरा वो बाकायदा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और बैठ के रोना, उदास रहना, चुप रहना, थकावट रहना, घबराहे रहना, यानी कि वो सारी बीमारियां एंजाइटी और डिप्रेशन की उन लोगों में आ जाती हैं जो कि देखने में बज़ाहर बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन एक्चुअली क्या उनकी लिबिडो का क्या हाल होता है, उनकी लिबिडो बहुत डाउन गई होती है। फिर वो बेचारी कोई जो साइकेट्रिस्ट हैं हजरात मेरे दोस्त मेरे कलीग्स, उनके पास जो जाती हैं वो उनको वो दवाई देते हैं SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है, जाओ तो बदनामे ज़माना दवाइयाँ हैं। मैंने बहुत कुछ बताया है कि कैसे वो सेक्स का बेड़ा गर्क कर देती हैं, यानी कि सेक्स की जो ना मुकम्मल वो बहजा बहजा कराते हैं, ना इंसान में ख्वाहिश रहती है, फिर उनके अंदर जो वजाइनल फ्लूइड है वो भी कम हो जाता है, ड्राइनेस वजाइना में आ जाती है। तो मेरे पास एक मॉडल आई तो मैंने उसे सेक्स का पूछा तो कहती मुझे ऐसे लगता है कि मेरा खावन मुझे चाकू से मार रहा है जब वो सेक्स कर रहा है, यानी कि आई वो सरप्राइज, मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। फिर वो समझ आया कि वो बेसिकली SSRI पे थी, ड्राइनेस हुई थी, तो ड्राइनेस का हाल तो होता है, लेकिन अब उन लोगों में SSRI की वजह से जो थोड़ी बहुत सेक्सुअल ख्वाहिश होती भी है, जोश होता है, जज्बा है, वो दवाइयों से ख़त्म हो जाता है। तो आप अगर इसी ऐसी लड़की को देख के आपका दिल मचले तो फिर सोच लें और समझ लें और फिर अंदाज़ा कर लें कि क्या इसके अंदर अराउज़ल सेक्सुअल डिज़ायर वो नॉर्मल है कि नहीं है, या ऐवें सारा सर जो है वो चट्टान में फोड़ फोड़ के अपना खून नहीं निकालना। तो
उम्मीद है कि आज आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। टाटा बर्ची को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।